जय श्री राम। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम 10 जनवरी 2020 को पढ़ने वाले मांड चंद्र ग्रहण के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। यहाँ मांड का मतलब यह है कि धीरे 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 चंद्र जो जिसको चंद्रमा कहते हैं उनका प्रकाश जो है मध्यम पड़ जाएगा, 90% जो है काली छाया से घिर जाएंगे पर वो ग्रसित नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। इसको उपछाया ग्रहण भी लोग कहते हैं अथवा मांड चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण अथवा ग्रहण की संज्ञा यहाँ पर नहीं है। जब ग्रहण नहीं है तो इससे संबंधित जो सूतक का नियम होता है कि जैसे चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है, 9 घंटा पहले से ही खाना पीना मलमूत्र का त्याग करना ये सब वर्जित हो जाता है, तो वो सारे नियम नहीं लागू होंगे। मंदिर में भगवान की सेवा वगैरह 9 घंटा पहले ही होकर के मंदिर बंद कर दिया जाता है, वो सारे नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि ग्रहण है ही नहीं। जो मुख्य ग्रहण होता है वो जो है पूर्ण ग्रहण अथवा खगराज चंद्र ग्रहण होता है अथवा आंशिक ग्रहण होता है, उन सारी श्रेणी में नहीं आता है। ये जो स्थिति अभी बन रही है इसके पहले 11 फरवरी 2017 में यही स्थिति जो है चंद्रदेव की बनी थी। इसी कारण जो है देश के जो प्रमुख जो है पंचांग है, चाहे काशी का हो, चाहे जालंधर हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे हमारे मुंबई का हो, किसी भी बड़े पंचांगों में जिसको विद्वान लोग पसंद करते हैं उसको मानते हैं, उन पंचांगों में इस चंद्र ग्रहण का मतलब उपछाया का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला है, जिक्र नहीं मिला है। पर हाँ, ये जो स्थिति बन रही है ये मिथुन राशि पर बन रही है। मिथुन राशि में भी जिनका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए थोड़ा सा एक हफ्ता ठीक नहीं रहेगा, उनके मन में बनता बनता काम रुकेगा, बहुत सी सारी अड़चनें आएंगी, आर्थिक परेशानियां बहुत आएंगी। इतना भी हो सकता है कि अपने भगवान के प्रति लड़ाई करने का, झगड़ा करने का अथवा उठा करके उनको किसी नदी में विसर्जित करने का भी मन आपका कर सकता है, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमको सजग रहना है, डरना नहीं है, एक हफ्ते की बात है। जिस भगवान के प्रति निष्ठा है, जैसे अपने माँ बाप से हम नाराज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए फिर उनसे हम पास में जाते हैं, ऐसा नाराजगी होना आपका हक है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, भगवान से हर तरह का संबंध होना चाहिए। नाराज हुए पर रूठिए नहीं, दिखावे में कीजिए, माला का जप वगैरह कर सकते हैं। जो हमारी माताएं बहनें जिनके पेट में शिशु है उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कर सकती हैं कि कुछ नियम तो पालन नहीं कीजिए, पर कई बार मन में आता है चलो भैया कर ले थोड़ा, तो रात में चूंकि जो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 10:38 PM मतलब रात्रि में भारतीय समय अनुसार 10:38 पर यह प्रारंभ होगा, इसका समापन होगा 2:42 AM में, मतलब 11 तारीख 2:42 AM में होगा। तब तक आप सोइए नहीं और उसके बाद में कुछ काटिए पीटिए नहीं, भोजन भी मत कीजिए, बराना है जितना बरा सकती हैं, आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इतना कर ही रही हैं तो भगवान के नाम का जाप करते रहिए मन के अंदर, चाहे सामने जय जय श्री राम कोई व्हाट्सअप चला रहे या फिल्म देख रहे हैं, जो आपकी मर्जी, पर इसमें नियम ये लागू नहीं होता है। तो जो मिथुन राशि वाले लोग हैं पुनर्वसु नक्षत्र वाले उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अपने देश भारत के अलावा ये जो उपछाया का दर्शन होगा ये देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में जो है ये स्थिति बनेगी। और नंबर एक पे अमेरिका में बन रहा है, इसलिए अमेरिका में भी देखिए थोड़ा सा उहापोह उथल और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी स्थितियाँ बनती हैं लेकिन ये उस तरह का ग्रहण नहीं है जैसे होता है, ग्रहण की श्रेणी में आता ही नहीं है, आया ही नहीं है, इसलिए घबराने की डरने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे डेली रूटीन करते हैं वैसे कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं बताने का अवश्य प्रयास करूंगा। भैया जिनका उत्तर नहीं दे पाया वो भी नाराज मत होइएगा, जैसे समय मिलेगा निश्चित आप सारे लोगों के प्रश्न हमारे सामने दौड़ते हैं, सोते हुए हमें जगाते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। पर क्या करूं, रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ता है, समय कम मिलता है, बाहर जाता हूं, ये जो मोबाइल कंपनियां पैसा लेती हैं, नेट बहुत स्लो चलता है, तो एक ही उत्तर देने में परेशानी हो जाती है। सोचता हूं घर पहुंच करके दूंगा, घर आने के बाद दूसरी सारी चीजें मैं उलझ जाता हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करता हूं। और
व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे उसका लिंक है। पूजा पाठ से संबंधित आप यूट्यूब पर पूछेगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का अवश्य प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।